बच्चों, आज हम बात करेंगे माता पिता में कौशल का विकास। माता पिता जो विकलांग बच्चों के माता पिता होते हैं, वे बच्चे की परवरिश के समय उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनको ये दिक्कत आती है कि वो विकलांग बच्चा जो उनके घर में रह रहा है, वे उसको किस तरीके से शिक्षित करें या किस तरीके से समाज में समायोजन करना सिखाएं, तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो माता पिता के अंदर किन किन कौशलों का विकास किया जाए ताकि वे अपने उस विकलांग बच्चे को भी अपने सामान्य बच्चे की तरह ही सामान्य तरीके से शिक्षित कर सके, उनके अंदर कौशल विकसित कर सकें। तो आइए जानेंगे कि प्रथम कौन सा कौशल है। प्रथम है बालक की संवेगात्मक सुरक्षा। जो प्रथम कौशल है वह है बालक की संवेगात्मक सुरक्षा। बहुत सारे जो माता पिता होते हैं, वह उनको आइडिया नहीं होता है कि विकलांग बच्चों के साथ उनको किस तरीके से बर्ताव करना है, क्योंकि कभी कभी उनका जो व्यवहार होता है या उनके घर में रहने का जो तरीका होता है, उससे बच्चे के संवेग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर बालक संवेगात्मक रूप से सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब कि वह अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि घर का माहौल ठीक नहीं है, घर का माहौल शोरगुल वाला है या अक्सर माता पिता आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो उनका विकलांग बच्चा अपने संवेगों पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर भर जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो ज़रूरत है कि उन बच्चों का संवेगात्मक अपने संवेगों पर कंट्रोल हो। इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता अपने बच्चे को सहयोग दें, घर का माहौल अच्छा करें, बच्चे के साथ टाइम बिताएं तथा बच्चे के प्रति सकारात्मक व्यवहार करें। बच्चे को ये एहसास ना दिलाएं कि उनका बच्चा जो है वह विकलांग है और उसके अंदर कोई शारीरिक कमी है या कोई दोष है जिसके कारण वह सामान्य बच्चे के अपेक्षा किसी भी काम में धीमा है। तो ज़रूरत है बच्चे को संवेगात्मक रूप से मजबूत करने की, क्योंकि अगर ऐसे बच्चे अपने आप को सामान्य बच्चों से कम आंकने लगेंगे तो उनके अंदर बहुत सारी समस्याएं भर जाएंगी, जिसके कारण वे संवेगात्मक रूप से असंतुलित हो जाएंगे और वे अपने माता पिता पर बहुत अधिक गुस्सा दिखा सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं और खुद को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। तो ज़रूरत है कि उनको संवेगात्मक रूप से सुरक्षित करने की। तो इसीलिए माता पिता में यह कौशल होना चाहिए कि वे किस तरीके से घर का माहौल बनाए रखें कि बालक संवेगात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करे। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे के साथ वो पूरा टाइम बिताएं, उसके साथ उसकी मन की चीज़ें करें, उसको बाहर घुमाने ले जाएं ताकि बच्चा बहुत खुश रहे। और कभी अगर घर का ऐसा माहौल बनाए कि कभी अगर बच्चा दुखी हो तो अपनी उस दुख को या अपनी उस समस्या को खुलकर अपने माता पिता, अपने भाई बहनों या घर में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, उससे वह खुल के उस बात को कह सके। दूसरा कौशल है जो माता पिता में विकसित करने की आवश्यकता, वह है बालक का शारीरिक स्वास्थ्य। बालक का शारीरिक स्वास्थ्य, यहाँ माता पिता को
यह ध्यान देना चाहिए कि बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, क्योंकि अगर बच्चा शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, वह बीमार है, तो बच्चा मानसिक रूप से भी ठीक नहीं हो सकता, वह खुश नहीं हो सकता। तो ज़रूरत है कि उसके खाने पीने, उसके रहन सहन या फिर उसको समय निकाल कर खेलने के लिए मौका दिया जाए। अगर बच्चे के साथ कोई हड्डी वाली समस्या है या वह दौड़ नहीं सकता, तो उसको कोई इंडोर गेम ही खेलने को दिया जाए। अगर बच्चा आउटडोर गेम नहीं खेल सकता, तो इंडोर गेम खेलने को दिया जा सकता है, या फिर उसको ऐसा कोई खेल जिससे उसके हेल्थ पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़े, तो बच्चे के साथ कोई ऐसा खेल खेलने को दिया जाए। और ज़रूरत है कि माता पिता उसको कभी डांटे नहीं, क्योंकि ऐसे बच्चे अगर उनको डांट दिया जाए तो वे अपने आप को कोसने लगते हैं कि वह माता पिता पर बोझ हैं। तो ज़रूरत है कि बच्चे का हेल्थ ठीक रखा जाए, इससे बच्चे के अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी विकलांगता है, उस पे उसका ध्यान नहीं जाएगा। तो ये माता पिता की ज़िम्मेदारी है कि उनके अंदर ये कौशल होना चाहिए कि बच्चे को किस तरीके से रखें कि उसका हेल्थ ठीक हो, उसके खाने पीने से लेकर उसके कब उसको सोना है, कब जागना है, कब पढ़ाई करनी है, कब खेलना है, उसके सारे काम पर उसके माता पिता का ध्यान होना चाहिए और वे हर समय बच्चे के साथ हों, ताकि बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो वे तुरंत उसका समाधान कर सकें। अब जानेंगे तीसरा कौशल, थर्ड है बालक का गामक विकास। बालक का गामक विकास, गामक विकास मतलब मोटर डेवलपमेंट। यहाँ मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो बच्चे के अंदर मोटर डेवलपमेंट करने के लिए बच्चे को खुद से उसकी क्रियाओं को करने दिया जाए, जैसे खुद से बाल झाड़ना, कपड़े पहनना, खाना खाना, या बॉल को वो दौड़ के लाता है उसको खुद से छोड़ देना चाहिए, बच्चा अपने से सीढ़ी पे चढ़े उतरे, अपने सामान को यहाँ से वहाँ करे। इससे बच्चे के अंदर एक तो कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, दूसरा बच्चे का गामक विकास होगा, उसका शरीर ठीक रहेगा, वह इन क्रियाओं को करने में दक्ष हो जाएगा। तो ज़रूरत है कि बच्चे को अवसर दिया जाए। अगर बच्चा विकलांग है तो कभी भी उसको विकलांग ना समझा जाए, उसको बेसहारा या उसको असहाय ना समझा जाए, बल्कि उसको उसकी क्रियाएं खुद करने का मौका दिया जाए। उसको कहा जाए कि तुम अपने से कपड़े पहनो, खुद से खाना खाना सीखो, खुद से खेलना सीखो, खुद से अपनी जो भी दैनिक क्रियाएं उसको करना सीखो, क्योंकि हर समय तुम्हारे साथ कोई रहेगा नहीं, तो तुम्हें अकेले ही काम करना है। तो बच्चे को इन सब का ज्ञान देना ज़रूरी है, लेकिन यह भी ध्यान देना होगा, क्योंकि बच्चा विकलांग है तो उसको कोई चोट ना लग जाए, उसके संग कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इसीलिए बच्चे को सारी क्रियाएं खुद करने दें, लेकिन खुद भी उसके आसपास मौजूद रहें, ताकि जब भी तुरंत कोई समस्या हो, माता पिता दौड़कर बच्चे को सहारा दे सकें। चौथा है भाषा का विकास। जो चौथा कौशल है वह है भाषा का विकास। इसमें ये बोला गया है कि बच्चे को कहानियाँ सुनाने का या अपनी बातें बोलने का मौका दिया जाए। इसके अलावा जब भी बच्चे के सामने बोला जाए, अगर बच्चे में कोई भाषा संबंधी विकलांगता है, तब बच्चे के सामने बोलते समय उसके बहुत नज़दीक आकर बोला जाए, और जो भी व्यक्ति बोले उसका चेहरा रोशनी में होना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चा उसके बोल शब्दों के उच्चारण को समझ सके
और बोलते समय बहुत आराम से तथा धीरे धीरे बोलना चाहिए। और बच्चे को जो भी गलत सही बोलता है उसको बोलने का मौका दिया जाए और बीच बीच में उसकी तारीफ भी की जाए, ताकि बच्चे के अंदर जो भी कमियां हैं वह उसको कमी जैसा ना लगे। लेकिन बच्चा जो भी गलत उच्चारण करता है उसको समझाना चाहिए कि इस शब्द का सही उच्चारण क्या है। तो अगर बच्चे को या बच्चे के अंदर कोई भाषा दोष है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। यह माता पिता के अंदर होना चाहिए कि बच्चे के अंदर भाषा का विकास वो कैसे करें। बच्चे को कोई कहानी सुना दें और फिर बच्चे से कहें कि अब इस कहानी को तुम सुनाओ। इससे माता पिता को ये समझ में आ जाएगा कि बच्चे के अंदर भाषा का कितना विकास हुआ है या कौन कौन सी कमियां हैं जो बच्चा बोलते समय करता है, तो उस कमी को धीरे धीरे करके दूर किया जा सकता है। लेकिन भाषा कौशल का विकास करते समय यह ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा क्योंकि विकलांग है तो बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर डाल के कोई चीज़ नहीं सिखाना है। बहुत आराम से, बहुत प्यार से और बहुत धीरे धीरे उसके अंदर किसी भी कौशल का विकास करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास सामाजिक विकास सामाजिक विकास में विकलांग बच्चे को घर के बाहर ले जाना चाहिए, लोगों से मिलवाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि यह व्यक्ति उनका क्या लगता है, क्या रिश्ता है। अड़ोस पड़ोस के बच्चों से मिलवाना चाहिए और उसको किसी भी सामाजिक समारोह में शामिल करना चाहिए। भले ही बच्चे के अंदर कोई भी विकलांगता हो, बच्चे को कहीं से भी यह एहसास नहीं दिलाना है कि उसके अंदर ये सारी कमियां हैं या यह सारे दोष हैं। तो बच्चे को हर सामाजिक गतिविधियों में शामिल करना है तथा उसे बताना है कि कौन सी क्रियाएं समाज के खिलाफ हैं, समाज के अनुकूल हैं तथा कौन सी क्रियाएं प्रतिकूल हैं। लेकिन माता पिता के अंदर ये कौशल होना चाहिए कि वे किस तरीके से बच्चे को शिक्षित करें, बच्चे के अंदर सामाजिक विकास करें कि बच्चा बहुत आराम से, बहुत आसानी से उन चीज़ों को सीख जाए। माता पिता का तरीका सकारात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा किसी भी चीज़ को पहली बार में नहीं सीख पाता तो माता पिता फ्रस्ट्रेट हो जाए, उस बच्चे पे गुस्सा दिखाने लगे और उसको मारना पीटना शुरू कर दें। तो माता पिता को भी अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना चाहिए तथा बच्चे को बताते समय या उसके अंदर सामाजिक विकास करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा विकलांग है तो वह सामान्य बच्चे की तरह तुरंत किसी बात को समझ नहीं सकेगा। तो यह माता पिता को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चा विकलांग है तो वह किसी भी चीज़ को बहुत आराम से और बहुत धीरे धीरे समझेगा। तो पहली बार में वह उस चीज़ को नहीं समझ सकता, इसीलिए धीरे धीरे करके उसमें किसी भी कौशल का विकास करना चाहिए। लेकिन इन सभी चीज़ों में माता पिता को अपने अंदर सहनशीलता लानी होगी, धैर्य रखना होगा और यह ध्यान देना होगा कि बच्चा विशिष्ट बालक है, वह सामान्य बालक नहीं है। तो उसको शिक्षित करते समय या उसके अंदर कौशलों का विकास करते समय वे सारे कौशल उसके अंदर खुद भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि माता पिता गाली गलौज करें और बच्चे से ये कहें कि गाली गलौज करना गलत है। तो अगर बच्चे से माता पिता ये कहते हैं कि गाली गलौज करना समाज के खिलाफ है और खुद वे घर में गाली गलौज करते हैं, तो बच्चे के ऊपर इसका गलत असर पड़ सकता है। तो इसीलिए जो भी चीज़ें बच्चे को सिखाएं, पहली वो सारी क्वालिटी माता पिता में खुद होनी चाहिए।
अगर वे झूठ बोलते हैं तो बच्चे को वो नहीं सिखा सकते कि तुम झूठ मत बोलो, ये गलत चीज़ें होती हैं। तो ज़रूरत है पहले खुद को सुधारने की, इसके बाद ही वह बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं।